Hello everyone, how are you all? So today we are going to start a new chapter, that is People as Resource, and this is of class 9. So we will take this chapter today, and what exactly means people as resource? People, you know, the common people ki baat yahan par hum kar rahe hain, and as a resource, matlab jo bhi रिसोर्स वो चीज़ है, वो चीज़ें जो हमारी नीड्स को पूरा करती हैं. ठीक है, रिसोर्स पे हमारी रिसोर्स में हमारी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. जैसे हमने इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में हमने 8th में 7th में पढ़ा है रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं जो ह्यूमन बीइंग की नीड्स को, नेसेसिटीज़ को पूरा करते हैं. तो रिसोर्स आपके लैंड रिसोर्स हो गया, वाटर रिसोर्स हो गया, ठीक है, मिनरल रिसोर्स हो गए, जितने भी सारे रिसोर्सेज हैं. लेकिन आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि पीपल जो है रिसोर्स का काम कैसे करता है. एक पर्सन या मैं या आप जो हैं एज अ रिसोर्स का कैसे काम करते हैं, कि आप किसी के लिए रिसोर्स कैसे बन सकते हैं. सो जो यहाँ पर कुछ मेन टॉपिक्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमने स्टडी करने हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन हाउ ऑफ हाउ पीपल बिकेम अ रिसोर्स, एसेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज डन बाई मैन, अनपेड वर्क डन बाई वुमेन, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैसे एक रिसोर्स का काम कर सकता है, रोल ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन, हेल्थ और एजुकेशन का क्या रोल है ह्यूमन की लाइफ में, अनएम्प्लॉयमेंट एज अ फॉर्म ऑफ नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ह्यूमन को किस तरीके से एक नॉन यूटिलाइजेशन पर्सन बना देता है, अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, सोशियो पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस इन सिंपल फॉर्म, फैमिलियराइजेशन ऑफ अ फ्यू पॉपुलेशन रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स. तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे. कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं लाइक ह्यूमन रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, स्किल्ड वर्कर्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. ये कुछ डिफरेंट टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट्स हैं, तो ये हम पढ़ेंगे आज. सो एनी मटीरियल विच कैन बी ट्रांसफर इन अ वे दैट इट बिकेम मोर वैल्यूएबल एंड यूजफुल इज नोन एज रिसोर्स. कोई भी मटीरियल जो है, अगर वो ट्रांसफॉर्म होता है किसी वैल्यूएबल चीज में, एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक उस चीज की वैल्यू हो जाए, कोई भी मटीरियल या मटेरियल, या हम कह सकते हैं कोई भी रॉ मटेरियल, ठीक है, एक वैल्यूएबल फॉर्म में जब वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है एंड यूजफुल, उसकी यूजेस पता चलते हैं लोगों को या पीपल उस चीज को यूज करते हैं, तो वो पर्टिकुलर चीज जो है लोगों के लिए रिसोर्स बन जाता है. ह्यूमन बीइंग सेटिस्फाइड ऑल देयर नीड्स. ह्यूमन बीइंग जो है सारी नीड्स अपनी सेटिस्फाइड, अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए जो है वो यहाँ वहां से जो है अपनी नीड्स को पूरा करता है. ठीक है, फ्रॉम द इमीडिएट नेचुरल एनवायरनमेंट, जो हमें इमीडिएट नेचुरल एनवायरनमेंट जो है, नेचुरल एनवायरनमेंट में नेचुरली जो चीजें हमें मिलती हैं, तो ह्यूमन जो है अपनी नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए नेचुरल चीजों का यूज करता है. और फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, या कहीं से हम कोई चीज जैसे मंगाते हैं जो हमारी डेली यूज की चीज होती है, खाना पीना, वेजिटेबल्स, ये सारी हमारी नीड्स हैं, ये सारी हमारी ज़रूरतें हैं, कपड़ा पहनना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अलावा. ठीक है, ये सारी हमारी नेसेसिटीज़ हैं. तो वो कहीं से भी, वर्ल्ड से कहीं से भी मंगा सकता है. ठीक है, नॉट डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, जो एलिमेंट्स हैं एनवायरनमेंट में अवेलेबल जिससे ह्यूमन अपनी नेसेसिटीज को पूरा करता है, दे आर लाइक लैंड, रिवर, प्लांट्स, एनिमल एक्सेट्रा, प्ले अ वाइटल रोल इन द सर्वाइवल एंड द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल. तो ये सारी चीजें ह्यूमन के डेवलपमेंट में, ह्यूमन के सर्वाइवल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ये सारी चीजें रिसोर्सेज हैं जो लोगों के लिए बहुत जरूरी है, पीपल्स के लिए रिसोर्सेज बहुत जरूरी है. दे बिकेम रिसोर्स ओनली व्हेन मैन लोकेट देम. ये तब रिसोर्सेज बन जाती हैं जब मैन जो है इनको फाइंड आउट करता है, लोकेट करता है, एंड हैज द टेक्नोलॉजी टू कन्वर्ट देम इन सच अ फॉर्म दैट दे बिकेम यूजफुल फॉर द मैनकाइंड. और मैन जो है जब ये जो चीजें हैं, ये चीजें क्या बन जाती है, रिसोर्सेज, दे बिकेम रिसोर्सेज जब मैन किसी चीज को फाइंड आउट करता है और आज की टेक्नोलॉजी को यूज करके उसको एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाता है और फिर उसे यूज करता है. ठीक है, to change them, convert them in a useful form and they are useful for the mankind. और लोगों के लिए वो useful होता है. ठीक है, तो तब ये एक जो है resource बन जाता है, कि जब
पीपल जो है इसे कोई भी मटेरियल को, किसी भी चीज को, या जो उनकी जरूरत की चीज है उसे कहीं से भी फाइंड आउट करके उसको एक प्रॉपर यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो वो मैनकाइंड के लिए, ह्यूमंस के लिए, सिर्फ उसके लिए नहीं, सभी ह्यूमंस के लिए बहुत यूजफुल चीज बन जाता है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज आप लोगों को पता है कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है, जो भी हमें नेचर से मिलता है नेचुरली वे में, दीज ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, एयर, वाटर, सनलाइट, विंड, ये सारी, ये तीनों चारों चीजें जो है नेचुरल रिसोर्सेज है। लैंड से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लैंड पर हम अपना होम कंस्ट्रक्ट करते हैं, लैंड पर हम, हमें एग्रीकल्चर करने को मिलता है, इरीगेशन होता है, और हॉर्टिकल्चर होता है, फ्लोरिकल्चर होता है, फ्लावर्स ग्रो किए जाते हैं, जमीन का इस्तेमाल, लैंड का इस्तेमाल हम बहुत सारी चीज़ों के लिए करते हैं, तो ये हमारे लिए रिसोर्स है लैंड। उसके बाद क्या हो गया, वाटर, एयर, एयर नहीं होगी तो हम जी नहीं सकते हैं, वाटर नहीं होगा तो जी नहीं सकते, सनलाइट, विंड, सब चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो नेचुरल रिसोर्सेज इज एनीथिंग और ऑन और अबव द अर्थ दैट द पीपल यूज टू मीट देयर नीड्स, जिससे लोग अपनी यूज चीजों को, लोग जो है, पीपल जो है अपनी नीड्स को पूरा करता है, जो जमीन पर, लैंड पे अवेलेबल है जो चीजें, दीज ऑल आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। सो पीपल डू नॉट मेक नेचुरल रिसोर्सेज, इंसान नहीं बनाता है नेचुरल रिसोर्सेज को, ये सारी चीजें जो है गॉड गिफ्टेड है, जो गॉड ने हमें दी है, नेचुरल चीजें गॉड ने दी है, एयर, मिनरल, सॉइल, वाटर आर द एग्जाम्पल ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। ऑल्दो नेचुरल रिसोर्सेज एग्जिस्टेड ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग प्री हिस्टोरिक टाइम, अब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है ये प्री हिस्टोरिक टाइम, प्री हिस्टोरिक टाइम भी नहीं कहेंगे हम, जब से, जब ब्रह्मांड बना, यूनिवर्स बना, पृथ्वी बनी, प्लैनेट्स बने, तो तब से ये सारी नेचुरल रिसोर्सेज गॉड ने जो है, भगवान ने, खुदा ने, ये सारी नेचुरल रिसोर्सेज तभी से ही अर्थ पर प्रेजेंट हैं। लेकिन एट दैट टाइम जब गॉड ने पहली बार मनुष्य को बनाया, इंसान को बनाया, तो वो अर्ली ह्यूमंस के फॉर्म में बना, अर्ली ह्यूमंस के फॉर्म में हम उसको स्टडी करते हैं कि ये अर्ली ह्यूमंस थे। ठीक है, तो उस टाइम से अर्ली ह्यूमंस नेचुरल चीजें ही जो उसको अवेलेबल थी लैंड पर, उन्हीं नेचुरल चीजों को यूज करके वो अपनी जिंदगी काट रहा था। धीरे 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 उसने जो है खाना जो भी था, मतलब जो भी उसको नेचुरल चीजें जो अर्थ पर, जमीन पर रिसोर्सेज जो थे उसको पकाना शुरू किया, धीरे धीरे एग्रीकल्चर करना शुरू किया, यहाँ से उन्होंने ये सीखा कि एग्रीकल्चर कैसे किया जाता है, प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, खाना कैसे पकाया जाता है, फिर वहीं से धीरे धीरे दे ईजी वे टू लर्न हाउ टू वेयर अ क्लोथ्स, हाउ टू कुक फूड, हाउ टू डू एग्रीकल्चर, ईच एंड एवरीथिंग स्लोली स्लोली डेवलपमेंट होता गया, और बहुत सारा जितना हो गया है कि नेचुरल चीज जो, जिनसे हम अपनी नेसेसिटीज पूरी करते थे, आज हम उसी नेचुरल चीजों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो कर लिया है। अब ह्यूमन ने, पीपल ने इतना डेवलपमेंट कर लिया है कि जो नेचुरल चीज, जो जिसके ऊपर कभी हम डिपेंडेंट थे, अब हमने उसी को जो है खत्म कर दिया है पृथ्वी से, उन्हीं नेचुरल चीजों को। ठीक है, सो बट मैन नीदर द टूल्स नॉर द टेक्नोलॉजी टू यूज देम, उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई। फॉर एग्जाम्पल कोल एंड मिनरल ऑयल वर प्रेजेंट बिलो द अर्थ सर्फेस, बट दे बिकेम इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज ओनली आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंबशन इंजन। सो कोल एंड पेट्रोलियम जो है बहुत पहले से ही हमारी अर्थ पर जो है प्रेजेंट है, लेकिन वो तब तक यूजफुल नहीं है जब तक उसको कन्वर्ट करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी हम यूज करके उसको एक कंबशन इंजन की तरह उसको अगर हम यूज नहीं करते हैं तो वो यूजफुल नहीं है। जब हम उसको कन्वर्ट करके टेक्नोलॉजी से, डेवलपमेंट से उसको यूज करके, अपनी टेक्नोलॉजी से हम उसे एक कंबशन इंजन के रूप में तैयार कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तब ही वो यूजफुल है, अदरवाइज नहीं है। सो ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन क्योंकि चैप्टर है पीपल एज रिसोर्स, तो ह्यूमन जो है एज अ रिसोर्स कैसे है, ह्यूमन कैसे रिसोर्स बन सकता है। बाय द टर्म ह्यूमन रिसोर्स वी मीन द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, अगर टर्म से, टर्म पर अगर हम जाए ह्यूमन रिसोर्स, तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी कंट्री की या किसी भी जगह की पॉपुलेशन की बात हम कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स यानी ह्यूमन यानी पॉपुलेशन यानी ह्यूमन वहां पर कितना है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑफ अ कंट्री अलॉन्ग विद इट्स एफिशिएंसी, कितना ह्यूमन एफिशिएंट है, एजुकेशनल क्वालिटीज कितनी है ह्यूमन में, प्रोडक्टिविटी कितनी है, कितने कैपेबल है काम करने के लिए, प्रोडक्टिविटी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी एंड फार साइटेडनेस, कितने लोग जो है वो दूर तक की, फार साइटेडनेस दूर तक की नजर रखते हैं, यानी कि जो आगे तक जाने वाले लोग हैं, पीपल्स हैं, टेक्नोलॉजी को आगे तक ले जा सकते हैं जो, ठीक है। सो दो नेचुरल रिसोर्सेज प्ले अ वाइटल रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, नो डाउट कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, बट ह्यूमन रिसोर्स आर ऑल्सो कंसिडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स आर ऑफ अ नेशन बिकॉज इट इज द ह्यूमन रिसोर्स विच कन्वर्ट दैम नेचुरल रिसोर्स इन टू मोर यूजफुल फॉर्म।
नेचुरल रिसोर्स इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, लेकिन हाँ यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स ही है जो नेचुरल रिसोर्स को कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी इनटू द यूजफुल फॉर्म. ठीक है, विच कन्वर्ट द नेचुरल रिसोर्सेज इनटू मोर यूजफुल फॉर्म. तो अगर ये आपका है ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, इन शॉर्ट अगर हम देखते हैं हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, तो ह्यूमन रिसोर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स नेचुरल रिसोर्स को कन्वर्ट करता है इन अ यूजफुल फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. ठीक है, टेक्नोलॉजी यानी टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से नेचुरल ह्यूमन रिसोर्स नेचुरल रिसोर्स को कन्वर्ट करेगा एक बहुत ही यूजफुल मैनर यूजफुल फॉर्म में, सॉरी एक बहुत ही यूजफुल फॉर्म में, एंड फिर वो यूजफुल फॉर्म जो है आगे सभी ह्यूमंस की इंसान की भलाई के लिए यूज किया जाएगा. ठीक है, सो व्हेन अ कंट्री पॉजेस सफिशिएंट नंबर ऑफ हाईली एजुकेटेड एंड ट्रेन्ड पीपल, अगर किसी कंट्री में बहुत ही ज्यादा हाईली एजुकेटेड और ट्रेन्ड लोग हैं वहां पर, मतलब कुछ कंट्रीज ऐसी हैं लाइक अगर हम अपनी अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री में एक स्टेट ऐसा है जहां पर एजुकेशन बहुत ज्यादा हाई लेवल पे है, दैट इज यू पीपल नो वेरी वेल, एंड दैट इज केरला. केरला में 99.9% जो है एजुकेटेड पीपल है, यानी एजुकेशन को वो लोग बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं बहुत ज्यादा. उस घर में हर एक, आप केरला चले जाएंगे तो केरला में हर एक बच्चा, हर एक बंदा, बूढ़ा बच्चा और जवान सभी जो है वो आपको एजुकेटेड मिलेंगे. दे टोटली कन्वर्सेशन विद एन इंग्लिश, प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज एंड देयर रीजनल लैंग्वेज दैट इज अ मलयालम. ओके, सो इसी तरीके से जैसे हमारे स्टेट, हमारा ये स्टेट है जहां पर बहुत ही ज्यादा हाईली एजुकेटेड पीपल्स हैं, इसी तरीके से ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड एंड ट्रेंड पीपल्स हैं, इट कैन प्रोड्यूस मोर एंड ऑल्सो एफिशियंटली. तो जो ट्रेंड और बहुत ज्यादा एजुकेटेड बहुत ज्यादा ट्रेंड लोग हैं वो किसी भी यूजफुल प्रोडक्ट को या किसी भी रॉ मटेरियल को हाईली अच्छी तरीके से मोर एफिशियंटली वे में विदाउट वेस्टिंग स्कार्स रिसोर्स, किसी भी रॉ मटेरियल को वो हाईली एफिशिएंटली वे में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजफुल फॉर्म में विदाउट किसी तरीके का उस मटेरियल में से कोई वेस्ट ना निकले, और जो वेस्ट निकले वो भी किसी ना किसी यूज में आ जाए. ठीक है, सो ह्यूमन रिसोर्सेज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू ईच इंडिविजुअल. ह्यूमन रिसोर्स हर इंडिविजुअल के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे असिस्ट अदर पीपल इन इम्प्रूविंग एंड यूजिंग देयर कैपेसिटी एंड पोटेंशियलिटीज टू द आउटमोस्ट. तो ह्यूमन रिसोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन रिसोर्स एजुकेटेड और ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एजुकेटेड और ट्रेंड रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स वो बाकी जो लोग हैं, बाकी जो पीपल हैं उनको भी वो हेल्प कर रहे हैं ट्रेंड होने में, हेल्प कर रहे हैं एजुकेट होने में, हेल्प कर रहे हैं उनकी कैपेबिलिटीज और उनकी पोटेंशियलिटीज बाहर लाने में. कुछ जो ह्यूमन रिसोर्स हैं एजुकेटेड और ट्रेंड वो दूसरे पीपल्स एज अ रिसोर्स या दूसरे पीपल को एज अ रिसोर्स का जरिया बना रहे हैं, दूसरे पीपल्स को वो ट्रेन कर रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं, उनकी कैपेबिलिटी उनके अंदर जो पोटेंशियलिटी है उसको बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सिखा रहे हैं, उन्हें लर्न करा रहे हैं, उन्हें स्किल्ड बना रहे हैं. ठीक है, सो ह्यूमन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउ पीपल बिकेम रिसोर्स, अब पीपल जो है वो रिसोर्स कैसे बनता है. मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग एंड द बैकवर्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है. ठीक है, यानी कि इकोनॉमिकली यानी पैसे से, ठीक है, उन कंट्रीज के पास इतना, उन कंट्रीज की इतनी अर्निंग नहीं होती है, उन कंट्रीज में इतना पैसा नहीं आता, वो कंट्री इतना पैसा नहीं कमाती है. ठीक है, वहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम भी बहुत कम है. पर कैपिटा इनकम क्या होता है, पर कैपिटा इनकम यानी कि पर्सन्स की हर साल की किसी भी पर्सन की टोटल सैलरी, टोटल उसकी आय कितनी है, पर कैपिटा इनकम है. प्रीवियस चैप्टर में आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में पढ़ा चुकी हूँ. ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर वॉट इज पर कैपिटा इनकम. सो उनका पर कैपिटा इनकम क्या है, तो इकोनॉमिकली बहुत सारे बैकवर्ड कंट्रीज हैं हमारे वर्ल्ड में जिनके वजह से क्या होता है, नॉट बिकॉज दे लैक रिसोर्स, इसलिए नहीं बैकवर्ड है क्योंकि उनके पास रिसोर्स की कमी है, बट बिकॉज दे लैक क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स. वो लैक इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास अच्छे ट्रेंड पढ़े लिखे
पीपल्स यानी कि पढ़े लिखे लोग नहीं हैं जो उनके रिसोर्स को यूजफुल मैनर में कन्वर्ट करें, और कन्वर्ट जब हो जाए यूजफुल फॉर्म में जब वो कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको वो बाहर कंट्री में सेल आउट करें। जब वो बाहर कंट्री में सेल करेंगे तभी उनकी कंट्री जो है अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करेगी, ठीक है। सो इसलिए उनकी कंट्री में स्किल्ड ट्रेंड एजुकेटेड ह्यूमंस नहीं है, ठीक है। लैक ऑफ क्वालिटी ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्स, द फोर्स बाय विच ऑल काइंड प्रोडक्टिविटी इज अचीव बाय द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स आर कॉल्ड प्रोडक्टिव फोर्सेस। जो फोर्स लगाया जाता है जिससे बाय विच ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्टिविटी इज अचीव्ड, जिससे सारी प्रोडक्टिविटी को अचीव किया जाए, मतलब जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको अचीव किया जाए बाय द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेस को यूज करके, और कॉल्ड प्रोडक्टिव फोर्सेस, उसको प्रोडक्टिव फोर्सेस कहते हैं। एंड ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिव फोर्स, और ह्यूमन रिसोर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिव फोर्स है। प्रोडक्टिव यानी कि ह्यूमन रिसोर्स जितना टैलेंटेड और ट्रेंड और एजुकेटेड प्रोडक्शन होगा ह्यूमन का, ह्यूमन जितना प्रोडक्शन होगा, ह्यूमन का प्रोडक्शन ये नहीं कि बहुत सारी पॉपुलेशन बढ़ाते जाए, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन कौन सा वाला ह्यूमन का प्रोडक्शन, ट्रेंड वाला ह्यूमन, स्किल्ड वाला ह्यूमन, एजुकेटेड वाला जो ह्यूमन का जितना प्रोडक्शन होगा उतना ही उस कंट्री की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, ठीक है। एंड दैट इज इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिव फोर्स। द फैक्टर्स विच इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, अब हम पढ़ेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ह्यूमन को जो रिसोर्स का, ह्यूमन को जो उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ह्यूमन को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है। फैक्टर्स इम्प्रूव ह्यूमन रिसोर्स, शॉर्ट में लिखा है मैंने ये, ठीक है। So factors improve human resource or quality of human resource. Sorry. Comes here quality of human resource. So first point इसमें आता है factors which improve the quality of human resource, that is the skill development. So first है आपका skill development, यानी कि जो भी human है या कहीं पर भी है, किसी भी country में जो भी human है उसके अंदर किसी ना किसी तरीके का कोई स्किल का डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी कि एजुकेटेड होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए। उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए क्या करना है कि वो उस बंदे को या पीपल्स को, पर्टिकुलर पर्सन को नहीं, मैनी नंबर्स ऑफ पीपल्स, मतलब बहुत सारे जो पॉपुलेशन है कंट्री की, और जितने ज्यादा ट्रेंड हों, जितने ज्यादा स्किल्ड हों, जितने ज्यादा एजुकेटेड होंगे किसी भी कंट्री का ह्यूमन रिसोर्स उतना ही उस कंट्री के लिए अच्छा रहेगा। तो स्किल डेवलपमेंट यानी कि स्किल्ड वर्कर इज वन हु हैज अ प्रॉपर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन टू वर्क इन अ पर्टिकुलर फील्ड, यानी कि जो स्किल्ड वर्कर होता है वो होता है जो कि किसी ना किसी फील्ड में वो एजुकेटेड हो, किसी फील्ड में वो स्किल्ड हो, ट्रेनिंग हो उसको किसी फील्ड की, बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे घर बनते हैं, ठीक है, तो कोई भी घर बनाता है तो हम लोग मजदूर और मिस्त्री को लेकर आते हैं, ठीक है। तो जब हम मजदूर मिस्त्री को लेकर आते हैं, जब भी हम लेने जाते हैं मजदूर मिस्त्री को, तो हम पूछते हैं कि भाई आप घर बनने का, घर बनाना है और भाई आपको ये सारी चीज़ें बनानी आती है कि नहीं आती है, कि घर कैसे बनना है, क्या है, कितना सीमेंट है, कितना उसमें रेता लगेगा, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, आप प्रॉपर जो है प्लास्टर सीमेंट ये सारी आप प्रॉपर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो ऑब्वियसली वो मिस्त्री है तो फिर भी पूछना पड़ता है, ठीक है, पूछते हैं लोग, ठीक है, कि भाई अगर आप अच्छे, एक होता है नॉर्मल ऐसे ही यहाँ वहाँ से सीख लिया, एक होता है ट्रेंड, जो बनता है ट्रेंड होता है हम उसी को ही घर बनाने के लिए, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल कि घर घर नहीं, ऐसी बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं कि हम ज़्यादातर ये कोशिश करते हैं कि जो ट्रेंड बनता है, लाइक हमें घर में बिजली फिटिंग करवानी है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग करवानी है, तो हम ऐसी तो किसी कोई थोड़ा बहुत काम जानता है, ठीक है, स्विच लगा दिया, बोर्ड वो प्लग लगा दिया, थोड़ा बहुत जानता है। और एक है बनता ट्रेंड, उसे पता है इसमें कौन सी तार पड़ेगी, इसमें कौन सी तार पड़ेगी, इसमें क्या तार पड़ेगी, इसमें क्या तार पड़ेगी, ठीक है, तो वो गया ट्रेंड। तो हम ये बिजली का काम है, इलेक्ट्रिसिटी का काम है, इसमें हम किसी भी तरीके की कोई रिस्क नहीं लेंगे, तो हम एक ट्रेंड बंदे को पूरी फिटिंग का चार्ज देंगे कि पूरी इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग करनी है, तो हम एक ट्रेंड बंदे को देंगे ताकि इन फ्यूचर हमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ठीक है, तो हम ट्रेंड बंदे को देंगे, किसी ट्रेंड, कोई ट्रेंड बंदा है हम उसको देंगे बिजली फिटिंग के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग के लिए। तो वो जो ट्रेनिंग है उसकी, वो पर्सन जो आएगा इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग करने के लिए, वो जो उसके अंदर जो वो स्किल है,
वो स्किल ही कही जाती है, स्किल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, वो उसके अंदर एक स्किल है, उसे ट्रेनिंग ली है, उसी को ही माना जाएगा, एक ट्रेन्ड पर्सन, एक एजुकेटेड पर्सन, स्किल्ड पर्सन उसी को माना जाता है, ठीक है। सो ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर, यही ट्रेन्ड जो पर्सन होगा जो इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग कर रहा है, वही जो ट्रेन्ड जो उसके अंदर जो स्किल है पाई गई है, उसके अंदर जो ट्रेनिंग जो उसने ली है, यही उस पर्सन की प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करता है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर। तो वो वर्कर जो है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई ना, एक अनपढ़ है उसे कुछ नहीं आता है तो उसे कौन काम देगा, जब किसी के अंदर जब किसी के अंदर कोई टैलेंट है, कोई उसके अंदर ट्रेनिंग उसने की है, उसके अंदर एजुकेशन है, वो पढ़ा लिखा एजुकेटेड है, नौकरी तो उसे तभी मिलेगी ना, जॉब उसे तभी मिलेगी, एक अनपढ़ गंवार को जिससे कुछ भी नहीं आता उसे जॉब नहीं मिलेगी। तो यानी कि जो एक पढ़ा लिखा है, ट्रेंड है, स्किल्ड है पर्सन, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हुई, बढ़ गई, वो एक एक, एक प्रोडक्टिव मैनर में आ गया, ठीक है, उसने कुछ चीजें सीखी हैं। और जो बिल्कुल कुछ नहीं सीखा हुआ है, जिसे जिसको कुछ भी नहीं आता है, तो उसे जॉब भी उसी तरीके की मिलेगी, ठीक है, मिलेगी ही नहीं बल्कि, ठीक है। सो नेक्स्ट है, स्किल डेवलपमेंट आल्सो एंश्योर कंटिन्यूअस एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ अ वर्कर। मैंने कहा ना, जो पर्सन के अंदर कोई स्किल डेवलप्ड है, अगर किसी पर्सन के अंदर वो ट्रेंड है, स्किल्ड है, एजुकेटेड है, तो उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट की भी अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। दैट इज वाई कंटिन्यूस एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ अ वर्कर लिखा हुआ है। इट हेल्प्स अ वर्कर टू एब्जॉर्ब द न्यू टेक्नोलॉजी एंड प्रिपेयर हिम टू कंप्लीट विद द लेबर फोर्स of the other developed countries. So, उस person के अंदर उस person को ये मालूम है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी की कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई है, इलेक्ट्रिसिटी में कुछ नया आविष्कार हुआ है, क्योंकि वो ट्रेंड है, वो स्किल डेवलप्ड है उसके अंदर, तो उसको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी में अगर कुछ नई चीज़ आई है, नया डेवलपमेंट हुआ है, नई टेक्नोलॉजी आई है, नए स्विचेस आए हैं, मॉड्यूलर टाइप के आजकल स्विचेस हो गए हैं, मॉड्यूलर टाइप की ट्यूबलाइट्स हो गई हैं, तो अगर ये सारी चीज़ें उसको, अगर वो ट्रेंड है, अगर वो एजुकेटेड है, तो उसे ये सारी चीज़ें पता होंगी, और वो इन सारी चीज़ों का यूज़ करके, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपनी लेबर फोर्स भी बढ़ा सकता है, यानी अपने अंडर भी वो और काम करने वाले रख सकता है, वो उनको ट्रेनिंग देगा, उनको फिर स्किल्ड बनाएगा, उनको ट्रेंड करेगा, उनको एजुकेटेड बनाएगा कि आप ये सीखो, ये सीखो, ये सीखो, इसमें बहुत अच्छा आपको जॉब मिल सकता है, आपको काम मिल सकता है, बिजली फिटिंग का, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग का, कहीं भी हर जगह यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग का, ठीक है। तो ये आपको जल्द से जल्द इसमें काम मिलने में भी ईजी रहता है। इसे कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स एज अ डेवलप्ड, मतलब ह्यूमन रिसोर्स जो है बट वो स्किल्ड, उसके अंदर कोई ना कोई स्किल्ड डेवलप्ड है, वो ह्यूमन रिसोर्स जो है कंट्री के लिए भी फायदेमंद, प्रॉफिटेबल होता है। तो एक तो हो गई स्किल डेवलपमेंट, दूसरा हो गया टेक्नोलॉजी। जो अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है, तो जो स्किल्ड पर्सन होगा, जो ट्रेन पर्सन होगा, एजुकेटेड पर्सन होगा, उसे पता होगा कि इस न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करके हम जो है क्या क्या चीजें कर सकते हैं। सो टेक्नोलॉजी हेल्प टू अ ग्रेट एक्सटेंट टू कन्वर्ट द नेचुरल रिसोर्सेज इनटू मोर यूजफुल फॉर्म। वो कोई भी अगर उसको मटेरियल दिया जाएगा, कोई भी रॉ मटेरियल है, तो वो उस मटेरियल को एक यूजफुल फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकता है। न्यू टेक्नोलॉजी उसके हाथ में है, वो ट्रेंड है, वो स्किल्ड है, वो एजुकेटेड है, ठीक है, तो वो कर सकता है। लेकिन कोई ट्रेंड नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, स्किल्ड नहीं है, तो वो नहीं कर पाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल, कोल एंड मिनरल ऑयल प्रेजेंट बिलो द अर्थ हैव नो वैल्यू अंटिल ह्यूमन हैव टेक्नोलॉजी टू डिग देम एंड यूज देम इन अ वेरियस मशीन। कोल और पेट्रोलियम की कोई वैल्यू नहीं जब तक वो जमीन के अंदर है, तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं, जब तक ह्यूमन जो है न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको जमीन से बाहर निकाल के उसको एक यूजफुल मैनर में ना बना दे, तब तक कोला पेट्रोलियम की कोई वैल्यू नहीं है। यूज देम इन अ वेरियस मशीन या डिफरेंट मशीन्स में कोला पेट्रोलियम को जब तक यूज ना करें, तब तक कोला पेट्रोलियम की जमीन के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। सो दिस इज टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज एजुकेशन। इलिटरेसी इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होल्डिंग बैक इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द डेवलपिंग कंट्रीज। इलिटरेसी यानी कि अनपढ़ता जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो किसी भी डेवलपिंग कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बैकवर्ड कर देती है। अगर उस कंट्री के लोग जो है वो पढ़े लिखे नहीं है, एजुकेटेड नहीं है किसी कंट्री के लोग, किसी कंट्री के स्पेशली डेवलपिंग कंट्री के जो लोग हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम दे रहे हैं 100-200 की पॉपुलेशन है, और उसमें करीब सिर्फ 200 की पॉपुलेशन में सिर्फ 50% जो है 50% हम 200 की पॉपुलेशन में अगर 50-60% ही एजुकेटेड है, बाकी सब अनपढ़ हैं, तो उस कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा। उस कंट्री, वो कंट्री जो है इकोनॉमिकली वीक होती जाएगी। और एक कोई कंट्री है जो डेवलप्ड है, डेवलप्ड वो कंट्री क्यों है, क्योंकि उस कंट्री में अगर 200 पॉपुलेशन है, तो 200 में से कम 160 या 170 या 180 भी हो सकते हैं उसमें एजुकेटेड, ट्रेंड और स्किल्ड पर्सन है।
बस 20, ये मतलब इतना इतना रेशो हो सकता है कि 180-170 तक जो पीपल हैं वो एजुकेटेड पर्सन है. अगर 20-30 पर्सन जो अगर नहीं भी है इलिटरेट है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा. इसलिए डेवलपिंग कंट्री में जितना ह्यूमन रिसोर्स अगर एजुकेटेड हो, ट्रेंड हो, स्किल्ड हो, तो उतना ही उस कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो लोग पूरा पूरा कंट्रीब्यूट करेंगे. So in modern days, even routine tasks such as operating machinery or the following machine instructions require a degree of literacy. एक modern country में और आज के modern days में जो daily का routine का जो task है उसमें अगर एक machine भी अगर हमें चलानी है, कोई भी machine अगर हमें चलानी, laptop भी चलाना, अगर हमें mobile भी use करना है, ये daily use की चीज़ है, ये machine है एक तरीके की, तो उसके लिए भी mobile चलाने के लिए भी हमें पढ़े लिखे होना पड़ेगा. लेकिन हाँ, आज technology इतनी हाई-फाई है, मतलब development इतना ज़्यादा development हो गया है, और क्योंकि आज कुछ ऐसा system हो गया है कि जो आज के जो बच्चे बॉर्न हो रहे हैं वो पैदा होते साथ ही मोबाइल हाथ में पकड़ लेते हैं और उन्हें सब पता लग जाता है, टच स्क्रीन क्या होता है, इसमें चलाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे एक साल दो साल, क्योंकि पैदा होते साथ ही उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया जाता है. मम्मी पापा को कुछ नहीं हुआ तो वीडियो लगा दिया, कार्टून देख रहा है बच्चा उसमें, तो वो कार्टून देखता रहता है, तो धीरे 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 वो वही देख देख के बड़ा हो रहा है, फिर उसे धीरे धीरे मालूम हो रहा है इसको ऐसे चलाते हैं, ऐसे चलाते हैं, ऐसे चलाते हैं, तो वो बचपन से वो सारी चीज यूज कर रहा है कि हम और आपने यूज करी थी, हमने नहीं यूज करी थी हमारे बचपन में, कोई फोन नहीं था, किसी तरीके का पीएनटी का फोन था, बहुत छोटे थे तो पीएनटी का भी फोन नहीं था, पीसी हो जाते थे फोन करने के लिए, उसमें 1 रुपया डाला, 50 पैसे डाले, तब फोन होता था, ठीक है, नंबर दबाने वाला. तो दिस इज टू बी कॉल्ड एज टेक्नोलॉजी, ठीक है. सो डेली की मशीन को यूज चलाने के लिए भी पर्सन को एजुकेटेड होना जरूरी है, डिग्री होनी चाहिए किसी न किसी चीज में, अगर कोई बड़ी मशीन चला रहा है, ठीक है. सो एजुकेशन ऑल्सो widens द मेंटल horizon of the people and give them a practical and a scientific attitude. Education also help in the national harmony of a country. Education जो है किसी भी country की जो harmony है, किसी भी country को एक educated country बनाता है. वहाँ के लोगों को पता होता है कि हमें अपनी country की respect किस तरीके से करनी है, हमें अपने country में की अच्छी चीज़ों को कैसे एक्सेप्ट करना है, और अच्छी क्या चीज़ें और हम कर सकते हैं, तो एक एजुकेटेड पर्सन ही कर सकता है. वैसे तो आज अगर देखा जाए तो कई बार ऐसे एग्जाम्पल्स भी सामने आए हैं जिसमें एजुकेटेड पर्सन भी जो है बहुत बुरे बुरे काम कर रहे हैं, ठीक है. एनीवेज, नाउ एजुकेशन आल्सो हेल्प्स इन द कीप द हार्मनी एंड कीपिंग इन माइंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट हैज टेकन मेनी स्टेप फॉर इट्स प्रोविजन. सो एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए, एजुकेशन को लेके ही गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं ह्यूमन रिसोर्स के लिए, पीपल एज रिसोर्स के लिए, जिससे कि ह्यूमन जो है वो डेवलप्ड हो, ट्रेंड हो, स्किल्ड हो, और हमारी कंट्री में भी, कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी वो कंट्रीब्यूट ज्यादा से ज्यादा करें, ठीक है. सो एजुकेशन ऑल्सो वाइंड एंड मेंटल हॉरिजन. अच्छा, यहाँ पे लिखा तो है कि एजुकेशन जो है इंसान की मेंटल हॉरिजन, इंसान का दिमाग को जो है ट्रेंड करती है, इंसान के दिमाग को डेवलप्ड करती है. क्या डेवलप करती है? हॉरिजन ऑफ द पीपल, ठीक है, एंड गिव देम अ प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक एटीट्यूड. तो इंसान के दिमाग को एक प्रैक्टिकल और एक साइंटिफिक एटीट्यूड देती है. प्रैक्टिकली वो अलग सोचता है, साइंटिफिकली भी वो अलग सोचने लगता है. एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, दैट इज ऑल्सो ट्रू. वो साइंटिफिकली देखता है कि साइंटिफिकली ये चीज सही है या नहीं है, फिर प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उस चीज को, अगर उसके साथ प्रैक्टिकली कुछ चीज उसकी लाइफ में हुई है तो वो चीज भी फेस कर रहा है कि भाई प्रैक्टिकली तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन साइंटिफिकली ये चीज पॉसिबल है, या साइंटिफिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली ये चीज जो है वो पॉसिबल है, ठीक है. तो एजुकेशन हेल्प अस टू डिजाइन अ पीपल एज रिसोर्स इन द मेनी वेज, मेंटल, फिजिकल, ठीक है, प्रैक्टिकली, साइंटिफिकली, बहुत सारी चीजों में एजुकेशन जो हेल्प करती है पीपल को एज प्रॉपर ट्रेंड स्किल्ड पर्सन बनाने में. ओके, तो वेरियस स्कीम्स जो है कौन सी चलाई है गवर्नमेंट ने, कुछ स्कीम्स है, वेरियस स्कीम्स लाइक शॉर्ट में हम यहाँ पे देख लेते हैं, बाकी अलग अलग देखेंगे. गवर्नमेंट हैज लॉन्च वेरियस स्कीम्स फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एसेस, रिटेंशन एंड द क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. जो बच्चों की पढ़ाई, एलिमेंट्री एजुकेशन जो बहुत छोटे क्लासेस की एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं, जो 1 to 5th होती है उसे एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं, ठीक है. विद अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स, गर्ल्स की एजुकेशन पे ज्यादा एम्फेसिस किया है गवर्नमेंट ने. स्पेशल एम्फेसिस हैज बीन लेड ऑन एजुकेशन इवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में भी पहले से एजुकेशन पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस ऑलरेडी किया हुआ था, लेकिन जो अभी तक लागू नहीं हुई थी. बहुत सारे स्टेट्स में, हमारी कंट्री में कांग्रेस के टाइम पे बहुत सारा एजुकेशन जो था वो लागू नहीं हुआ, चीजें नहीं हुई, गवर्नमेंट ने चीजों को नहीं देखा कि एलिमेंट्री एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में प्रॉपरली पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है, नहीं होती थी कांग्रेस के टाइम पे. गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट स्कूल में प्रॉपर पढ़ाई नहीं की कराई जाती थी, क्योंकि टीचर्स जो है जाकर सिर्फ 70-80 हज़ार जो है सैलरी उठाना जानते हैं बस, लेकिन पढ़ाने के लिए उनके बाप दादा आएंगे. एनीवेज, खैर,
एलिमेंट्री एजुकेशन हैज बीन मेड फ्री एंड कंपल्सरी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एलिमेंट्री एजुकेशन 1 to 5th से लेकर और 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में करी गई है. लेकिन वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन क्योंकि जो गवर्नमेंट खुद एजुकेशन पर ध्यान नहीं दे रही है, गवर्नमेंट खुद स्कूल्स पर ध्यान नहीं दे रही, तो स्कूल क्या बच्चों पे ध्यान देगा, स्कूल के टीचर्स क्या बच्चों पे ध्यान देंगे. स्कूल के टीचर्स सिर्फ इस बात पे ध्यान देते थे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स की 70-80 हजार में सैलरी मिले बस, बाकी हमें उससे कोई लेना देना नहीं. नेक्स्ट इज स्कूल्स अंडर द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986. वैसे ये बहुत ओल्ड है, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, एनईपी को लेकर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं. लेकिन जो अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो निकाली है उसमें भी बहुत सारे फ्लॉज हैं. ठीक है कि बच्चों को 8th तक के लिए फेल नहीं करना है, बहुत सारे फ्लॉज है. 10th का जो 10th एंड जो बोर्ड है अब वो नेक्स्ट ईयर से 2024 से जो है आपका 10th बोर्ड खत्म हो जाएगा, तो बच्चों में एजुकेशन का डर कोरोना से ही वैसे ही खत्म हो गया, तो अब आगे क्या एजुकेशन का डर होगा. अब जो है एजुकेशन जो मतलब एजुकेशन अब व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड इन आफ्टर द कोरोना पीरियड कि एजुकेशन की अब कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है. एजुकेशन सिर्फ इसलिए कराई जा रही है, पेरेंट्स भी इसलिए करा रहे हैं, गवर्नमेंट भी सिर्फ इसलिए करा रही है एजुकेशन कि बस उसे पढ़ना, किसी भी पर्सन को, पीपल को, लोगों को, मतलब ट्रेंड और स्किल से कोई लेना देना नहीं, बस उन्हें पढ़ना और लिखना आना चाहिए, दैट्स इट. क्योंकि बच्चों के अंदर पढ़ाई का, एजुकेशन का कोई डर नहीं है कि नहीं भाई पढ़ाई करनी है, क्योंकि क्योंकि आगे हमारे करियर के लिए या आगे हमारी लाइफ के लिए एजुकेशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पहले ये हमें सिखाया जाता था, हमें पढ़ाया जाता था, लेकिन आज बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, उनको कोई मतलब ही नहीं है पढ़ना है नहीं पढ़ना है, करना है क्या नहीं, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीजें आ गई हैं. अरे नहीं पढ़ेंगे तो ये कर लेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो ये कर लेंगे, कुछ नहीं हुआ तो यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शुरू कर देंगे, इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाना शुरू कर देंगे, रील बनाना शुरू कर देंगे, उसी से ही पैसा कमाएंगे. सो दैट इज वाई एजुकेशन की आज कोई वैल्यू नहीं है. खैर एनीवेज, नाउ गवर्नमेंट ने एजुकेशन नेशनल पॉलिसी जो निकाली 1986 में, यहां तो अभी हमें पढ़ना ही है. खैर, गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप को एजुकेशनल रेजिडेंशियल स्कूल नोन एज जवाहर नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री. तो हर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री मतलब हमारी कंट्री की हर डिस्ट्रिक्ट में ये जवाहर नवोदय विद्यालय खोला गया. ठीक है, ये एक को एजुकेशनल रेजिडेंशियल स्कूल था, बच्चे वहीं रह सकते हैं और वहीं स्टडी करेंगे. ठीक है, ये 86 में हुआ था, 1986 में. उसके बाद कुछ गवर्नमेंट ने निकाले वोकेशनल कोर्सेस. ठीक है, अभी वोकेशनल कोर्सेज क्या थे, वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप्ड टू इक्विप लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स विद ऑक्यूपेशंस रिलेटेड टू नॉलेज एंड स्किल. मतलब यहां पर क्या था कि हाई स्कूल स्टूडेंट्स यानी कि 10th तक की उनको पढ़ाई जो है कराई जाएगी. हैव बीन डेवलप्ड टू इक्विप लार्ज जो जो वोकेशनल स्कूल्स होते हैं, वोकेशनल जो कोर्सेज होते हैं उसमें जो 10th तक की जो स्टडीज चलेगी वो चलेगी, लेकिन उसके साथ साथ वहां पर उनको वो ट्रेनिंग कराई जाएगी, वो स्किल उनके अंदर डेवलप कराई जाएगी जिनकी ट्रेनिंग वो आगे 11th-12th में या ग्रेजुएशन में लेना चाहते हैं, जो वो स्टडी करना चाहते हैं. ठीक है, रिलेटेड टू नॉलेज एंड स्किल, उनके अंदर कोई ना कोई स्किल या कोई ना कोई स्पेशल जो कोर्स है वो स्पेशल कोर्स उनको जो है कराया जाएगा. ठीक है, इंक्रीज इन प्लान आउटलेट, यहां पर गवर्नमेंट ने क्या किया, प्लान आउटलेट ऑन एजुकेशन हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम अबाउट 151 करोड़ से. मतलब एजुकेशन पे जो खर्च होगा वो ये था कि 151 करोड़ पहले था. ठीक है, तो 151 करोड़ से यहां पर इन द फर्स्ट प्लान, फर्स्ट 5-year प्लान जब बना, जब देश आजाद हुआ, वो बढ़ाकर यहां पे कर दिया ₹43,825 करोड़ इन द 10th 5-year प्लान. ये फर्स्ट 5-year प्लान का था और 10th 5-year प्लान में इस 151 करोड़ ऑफ रुपीज को बढ़ाकर यहां पे कर दिया आपका एजुकेशन पे स्पेंड होगा 43,825 करोड़ ऑफ रुपीज की एजुकेशन पे इतना पैसा हमें खर्च करना है. स्कूल्स खोलने हैं, कॉलेजेस खोलने हैं, स्कूल का प्रॉपर मेंटेनेंस होना है, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स में मेंटेनेंस होना है. ठीक है, मिड डे मील को और इम्प्रूव करना है, जो कि मिड डे मील बहुत ही ज्यादा खराब था, अभी तक भी कांग्रेस के टाइम पे तक तो बहुत ही ज्यादा खराब था, बीजेपी आने के बाद भी बहुत टाइम तक कुछ टाइम तक मतलब काफी टाइम तक खराब रहा. अब जाके मिड डे मील का थोड़ा सिस्टम जो है वो इम्प्रूव हुआ है. मिड डे मील स्पेशली पुअर बच्चों के लिए था, पुअर स्टूडेंट्स के लिए था, गरीब बच्चों के लिए था, स्पेशली गांव वगैरह के जो गरीब बच्चे होते हैं उनके लिए था, बिकॉज उनको वो किसी ऐसे बहुत अच्छे कोई प्राइवेट स्कूल्स वगैरह में स्टडी वो नहीं कर पा रहे थे, नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए उनके लिए
ये एजुकेशन पे इतना अर्निंग जो है इसलिए खर्च किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर पे क्या प्लान आउटले, प्लान आउटले मतलब इसका प्लान बनाया गया कि भाई इतना खर्च होना चाहिए। अब एक्सपेंडिचर क्या, कितना खर्च हुआ, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जीडीपी रहा, एजुकेशन का जो जीडीपी रहा वो कितना रहा और बाद में कितना हुआ, ये इसमें है। जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि ग्रॉस यानी कितना टोटल खर्च हुआ है, ठीक है, ठीक है। ग्रॉस दो होगा, तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना रहा, रोज फ्रॉम 0.64% से 19, मतलब पहले था आपका ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पहले था आपका 0.64% से ये बढ़कर रोज हुआ, ठीक है, सॉरी रोज हुआ ये आपका 1951 टू 52 में, 51 से 52 में ये हुआ आपका 3.98, नहीं सॉरी ये 1951 टू 52 में इतना था 0.64 था, ठीक है, यहां से ये बढ़कर 2002 में जो है बढ़ाकर इसको, यानी कांग्रेस के टाइम पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ एजुकेशन पे खर्च करने के लिए, ठीक है, 3.98% हुआ, यानी कि जीरो से इतना पहुंचा, अच्छा था, ठीक है, अच्छा इंप्रूवमेंट था, बट और होना चाहिए क्योंकि एजुकेशन इज द मेन की फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। एजुकेशन ही मेन की है किसी भी कंट्री के, स्पेशल किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन ही मेन की हो सकती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सर्व शिक्षा अभियान एंड द मिड डे मील। मिड डे मील मैंने आपको बताया ही, और सर्व शिक्षा अभियान के बारे में आपने सुना ही होगा, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान सभी की शिक्षा, सभी को शिक्षा देनी है, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान इज एन सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14, ठीक है, यानी 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को स्पेशल फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन गवर्नमेंट ने करी थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइडेड है लेकिन वो हो नहीं रही थी, ठीक है, लेकिन इस सर्व शिक्षा अभियान के अंदर ही ये प्रॉज आता है। बाय 14 इयर्स बाय 2010 तक ये करना था, इट इज अ लेकिन नहीं हुआ, ओके। इट इज टाइम बाउंड इनिशिएटिव टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द पार्टनरशिप विद द स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके ये करना था, 2010 तक इसको कंप्लीट करना था, यानी कि कंप्लीट करने का मतलब है कि मैक्सिमम 6 से 14 साल के सभी बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन तो लेनी ही लेनी है, लेना बनता है, ठीक है, लेकिन ये नहीं हुआ था। विद द स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट फॉर अचीविंग द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, सॉरी इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी थी, स्टेट गवर्नमेंट भी थी और लोकल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी। ऑब्वियसली लोकल गवर्नमेंट नहीं होगी तो इन्वॉल्व नहीं होगी तो ये वैसे भी नहीं हो सकता काम, ठीक है। अलॉन्ग विद द मिड डे मील स्कीम हैज बीन इंप्लीमेंटेड टू एनकरेज अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रेन एंड इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस। अच्छा, बच्चों की यही था मिड डे मील, बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए मिड डे मील स्टार्ट किया गया, ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारे फ्लॉज आए कांग्रेस के टाइम से लेके अभी तक जो है, जब तक ये बीजेपी गवर्नमेंट जो है सेंट्रल में आई है तब तक बहुत सारे फ्लॉज थे मिड डे मील को लेकर, बहुत सारे फ्लॉज थे, खाना अच्छा नहीं होता था, खाने में कीड़े मकौड़े पाए जाते थे मैक्सिमम, मतलब यहाँ नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ही बुरी हाल थी, साउथ का तो इतना नहीं पता, लेकिन मैक्सिमम कंट्रीज में से ऐसी ही न्यूज आती थी कि मिड डे मील का खाना जो है वो अच्छा नहीं होता था, ठीक है, गंदा बैड फूड जो है प्रोवाइड किया जाता था बच्चों को, वो भी प्रोवाइड टू पुअर पीपल, ठीक है, पुअर जो विलेज के, सॉरी पीपल नहीं, पुअर चिल्ड्रन, ठीक है, जो विलेज के गरीब बच्चे थे उनको ये बैड फूड, खराब गंदा खाना जो है वो प्रोवाइड कराया जाता था, ठीक है। एंड दिस ऑल हैज बीन डन बिकॉज ऑफ द टीचर्स ऑफ द स्कूल, जो टीचर्स 80,000-90,000-70,000 जो सैलरी ले रहे थे उनकी वजह से था ये, और फिर उनके ऊपर जो और मिड डे मील
का जो सारा जो बैठे हुए थे मिड डे मील प्रोवाइड जो करा रहे थे मिनिस्टर्स, ठीक है, एट द लोकल लेवल एंड ऑल्सो एट द स्टेट लेवल. ठीक है, लोकल लेवल पे भी जो मिनिस्टर्स बैठे थे और जो स्टेट लेवल पे जो मिनिस्टर्स थे, ये सभी मिड डे मील में जो खराब खाना आ रहा था उसमें इन्वॉल्व. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का तो बस ये था कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना इतना पैसा दे दिया, ठीक है, रुपीज दिस 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 करोड़ ऑफ रुपीज दे दिए कि भाई मिड डे मील के लिए खाना प्रोवाइड कराना है पुअर चिल्ड्रन ऑफ द विलेज एंड आसपास के जो भी पुअर सिटीज के भी जो भी पुअर पीपल है, ठीक है, पुअर चिल्ड्रन उनको ये खाना प्रोवाइड कराना, अच्छा खाना प्रोवाइड कराना. उन्होंने पैसा दे दिया, लेकिन अब स्टेट क्या कर रही है, डिस्ट्रिक्ट में जो पैसा पहुंचा है लोकल गवर्नमेंट के पास जो पैसा पहुंचा है वो कितना पैसा अच्छा मिड डे मील प्रोवाइड कराने में खर्च कर रही है या बाकी पैसा वो अपने मिनिस्टर्स अपनी जेब में रख रहे थे. तो ऑब्वियसली इसमें स्टेट और लोकल गवर्नमेंट जो थी वो दोनों ही इन्वॉल्व थी. ठीक है, सो मिड डे मील को ये इम्प्रूव इसलिए था कि ये मिड डे मील इसलिए स्टार्ट किया गया था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे खाने के वजह से आएंगे तो स्कूल में अटेंडेंस होगी. ठीक है, क्योंकि पढ़ना बच्चे नॉर्मल है, नॉर्मल, इट्स अ ह्यूमन नेचर, स्पेशली इट्स अ चिल्ड्रेन नेचर, पढ़ना नहीं चाहते बच्चे, कोई भी नहीं पढ़ना चाहते. ठीक है, चाहे वो प्राइवेट के हों, चाहे वो पुअर चिल्ड्रन हो, चाहे पैसे रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं. तो इसलिए उनकी अटेंडेंस के लिए मिड डे मील स्टार्ट किया. जब मिड डे मील स्टार्ट किया तो बोले जब ये आ ही रहे हैं बच्चे, आ रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, खा रहे हैं, तो इनको न्यूट्रिशनल फूड दिया जाए. न्यूट्रिशन की तो बात बहुत दूर की है, उन्हें एक अच्छा दाल चावल सब्जी रोटी मिल जाता वो ही बहुत बड़ी बात है, बल्कि उसमें छिपकली कीड़े मकौड़े सूढ़िया पड़ा हुआ खाना उन बच्चों को खिलाया जाए. खैर, नेक्स्ट कम टू द हेल्थ. हेल्थ डज नॉट मीन सर्वाइवल ओनली. हेल्थ का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि जीना, इंसान सिर्फ जिए, नहीं, हेल्थ का मतलब होता है कि वो एक अच्छी लाइफ जिए, एक हेल्दी लाइफ जिए, हेल्दी खाना खाए. ठीक है, इट कंसर्न द फिजिकली वो हेल्थी हो, मेंटली इकोनॉमिकली एंड सोशल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल. ठीक है, स्पेशली क्योंकि यहाँ पर हम पीपल एज अ रिसोर्स की बात कर रहे हैं, वो पीपल जो रिसोर्स का काम करता है दूसरे लोगों के लिए, ठीक है, कंट्री के लिए और बाकी लोगों के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है. ठीक है, तो वो जो पीपल एज रिसोर्स है वो हेल्दी होना चाहिए. हेल्दी का मतलब नहीं है कि सिर्फ जीना या सिर्फ खाना खाना, हेल्दी यानी कि मेंटली फिजिकली इकोनॉमिकली सोशली वो हर तरीके से हेल्दी होना चाहिए. सो एन इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ नॉट ओनली इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ. अगर गवर्नमेंट हेल्थ पे खर्च करती है पैसा, लोगों की हेल्थ पे, कंट्री के पीपल्स की हेल्थ पर अगर इन्वेस्ट करती है तो लोगों की क्वालिटी लाइफ की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव होगी, बट ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. और इसे ह्यूमन जो है, ह्यूमन जो एज अ रिसोर्स का काम कर रहा है वो डेवलप्ड भी होगा, विच इन टर्न अफेक्ट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. जैसे मैंने बताया, जब ह्यूमन रिसोर्स डेवलप्ड होगा, स्किल्ड होगा, ट्रेंड होगा, एजुकेटेड होगा, तो ही वो कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर पाएगा. तो सेम थिंग यहाँ बोला है, जब ह्यूमन रिसोर्स अगर डेवलप्ड ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ठीक है, सी लिसन वंस अगेन, एन इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ नॉट ओनली इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ. जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट हेल्थ पे खर्च कर रही है तो उससे पर्सन की ह्यूमन रिसोर्स की लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ ही इंप्रूव नहीं हो रही है, इंस्टेड ऑफ दैट बट ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. लेकिन साथ ही साथ ह्यूमन की क्वालिटी ऑफ लाइफ ही इंप्रूव नहीं हो रही है, लेकिन साथ ही साथ ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट भी हो रहा है. जब ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट हो रहा है विच इन टर्न इफेक्ट, और अल्टीमेटली जो ह्यूमन रिसोर्स जो डेवलप्ड हो रहा है वो अल्टीमेटली इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट कंट्री की सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट करेगा. ठीक है, सो दिस मीन्स द हेल्थ. Health of a person help him realize his potential, the ability of fight illness. तो हेल्थ जो है पर्सन की, वो पर्सन को ये रियलाइज भी कराती है कि जितनी अच्छी हेल्थ होगी उसका उसका वो और अच्छे से काम कर सकता है, ट्रेनिंग ले सकता है, स्किल हो सकता है, एजुकेशन और ले सकता है, पढ़ सकता है, और इलनेस से भी वो फाइट कर सकता है अगर उसकी अच्छी हेल्थ है. एंड अनहेल्थी पर्सन बिकम अ लायबिलिटी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन और द कंट्री. एक अनहेल्थी पर्सन है वो और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या कंट्री के लिए अनहेल्दी पर्सन जो है वो किसी काम का नहीं है. अब ये समझ लीजिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है. A significant improvement in the health status of the people of the country has been achieved such as एक जो कुछ improvements, significant improvements health के status को लेकर, तो यहाँ पर कुछ वो दिए हैं. अचीव क्या हम अचीव कर सकते हैं जिससे ह्यूमन रिसोर्स की हेल्थ अच्छी रह सकती है, उसके स्टेटस हेल्थ के स्टेटस में इंप्रूवमेंट
हो सकता है। तो कंट्रोल और द कॉमन डिसीजेस, कुछ गवर्नमेंट जो है कुछ कॉमन डिसीजेस डिसीजेस हैं जिनको कंट्रोल कर सकती है, लाइक मेनी कॉमन डिसीजेस प्लेग हो गया, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स हैव बीन कंट्रोल्ड टू ए लार्ज एक्सटेंट। तो इन सारी जो डिसीजेस हैं उनको पहले के मुकाबले अब काफी हद तक कंट्रोल किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, लोगों के द्वारा, लोगों को बताना, साफ सफाई रखना जिससे मच्छर ना आए, जिसकी वजह से मलेरिया होता है एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, सो गवर्नमेंट ने कुछ हेल्थ प्रोग्राम्स भी स्टार्ट किए, मेजर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स फॉर कंट्रोल एंड इराडिक्शन ऑफ पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, एड्स, लेप्रसी, ब्लाइंडनेस, कैंसर, आयोडीन डेफिशिएंसी, डायबिटीज एक्सेट्रा, एंड नेशन वाइड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हैव सस्टेनशली हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ मोर्टैलिटी रेट। यानी मोर्टैलिटी यानी कि मरने की जो दर थी, यानी कि छोटे बच्चे जो बॉर्न होते थे तो वो किसी ना किसी डिसीज के वजह से उनकी डेथ हो जाती थी। ठीक है, तो मोर्टैलिटी रेट भी कम हुआ, बच्चे अब ग्रो करने लगे क्योंकि उनको पहले से ही जैसे ही बॉर्न होता है बच्चा उसको हर डिसीज का, पोलियो का, इसका उसका, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स और बहुत सारी डिसीजेस का जो है उसको इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिससे बच्चा अच्छे से ग्रो करे। उसे किसी भी तरीके की बड़ा होता है बच्चा, ग्रो अप करता है तो उसे किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी डिसीज ना हो जो इस वजह से हो कि उसको बचपन में इंजेक्शन नहीं लगा उस चीज का, इसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम हो गई। तो अगर लग जाता तो ये डिसीज उसको नहीं होती। तो इसलिए जैसे ही बेबी बॉर्न होता है तो उसे बहुत बहुत अलग अलग डिसीजेस के, ये जो जैसे बताया मैंने अभी आपको, इस तरीके के ट्यूबरक्लोसिस है और ब्लाइंडनेस है, पोलियो है, लेप्रोसी है, इन सारी चीजों के जो है इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं। तो इसको लेके बहुत सारे हेल्थ प्रोग्राम गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए। नेक्स्ट इज हेल्थ सेंटर्स, बहुत सारे हेल्थ सेंटर्स भी खोले गवर्नमेंट ने, हेल्थ को लेकर क्या क्या किया, काफी अच्छा किया है। खैर प्रोग्राम्स बहुत किए, प्रोग्राम्स कांग्रेस ने बहुत, गवर्नमेंट ने बहुत काम किया, बहुत सारे प्रोग्राम्स करे, स्कीम्स करी, ये किया, फलाना ढिमकाना, बहुत सारा कुछ किया, लेकिन उसको लागू भी तो करवाना पड़ता है ना। सिर्फ प्रोग्राम बनाने से, स्कीम्स बनाने से कुछ नहीं होता है। गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में स्कीम बना दी, प्रोग्राम बना दिया, ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, ये तो प्रोग्राम्स, कुछ स्कीम्स तो बाद में बनाई गई है हेल्थ को लेके, एजुकेशन को लेके, कुछ चीजें बाद में बनाई गई। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी कई चीजें नहीं है लेकिन बाद में उनको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया गया, लेकिन सिर्फ प्रोग्राम्स बनाने से, स्कीम्स बना के रख देने से, डब्बे में, किताबों में या उनके पेपर में लिख के रख देने से, बंद करने से नहीं होता है, चीजें वर्कआउट नहीं करती है, उन्हें वर्कआउट कराना पड़ता है। ठीक है, और वो भी काम गवर्नमेंट का होता है जिसमें सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट सभी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो हेल्थ सेंटर्स बहुत सारे गवर्नमेंट ने खोले, एक्सटेंसिव वर्क कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सीएचसी खोला, प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोला, सब सेंटर खोला, टू टेक केयर ऑफ द हेल्थ सर्विसेज इन द रूरल एरियाज, जिससे लोगों की, पीपल एज जो रिसोर्स है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो हेल्दी रहे, एजुकेशन के लिए स्किल्ड रहे, ट्रेंड रहे, एजुकेशन उसे मिले, एजुकेशन के लिए बहुत सारे प्रोग्राम रखे, हेल्थ के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स रखे, ताकि पीपल एज रिसोर्स जो है वो हेल्दी रहे, जितना वो हेल्दी रहेगा उतना ही वो कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेगा, तो कंट्री का भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जल्दी से जल्दी होगा। लेकिन पेपर में स्कीम बना के बंद करके रखने से नहीं काम चलता है। एनीवेज, अपार्ट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज टू द पीपल। अब पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट के अलावा जो प्राइवेट कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट कुछ हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने भी हेल्थ के लिए बहुत सारा वर्क किया। लेकिन जैसे कि अगर वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन की, प्राइवेट वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो WHO है हमारी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरी दुनिया में पीपल की, लोगों की हेल्थ की बारे में हर कंट्री से जानकारी लेती है, आपके यहाँ लोगों की हेल्थ कैसी है, और उसके लिए आप ये वर्क कर सकते हैं, आप अपनी कंट्री में ये प्रोग्राम चलाइए, एडवर्टाइज करिए, न्यूज़पेपर में दीजिए, आर्टिकल्स दीजिए, टीवी पे ऐड करिए, रेडियो पे ऐड करिए, जिससे कि लोग जागरूक होंगे, वो अपने डिसीजेस को लेके सीरियस होंगे, अपने बच्चों को इंजेक्शन लगवाएंगे। छोटे पे जब बेबी बॉर्न होता है तो लोगों को जागरूक करना पड़ता है, ये सारा काम जो है कंट्री का होता है। ठीक है, और कंट्री से ये काम करवाता है आपका WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वो हर कंट्री के लोगों की हेल्थ की जानकारी हर कंट्री से लेता रहता है। दूसरा है आपका यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ है, और एक है आपका यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को जो है बच्चों की एजुकेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड बच्चों की एजुकेशन के लिए काम करता है। ठीक है,
व्हाट आई एम टेलिंग. हाँ, यूनेस्को जो है वो आपका एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है. और यूनिसेफ जो है ये बच्चों के लिए काम करता है, ठीक है. इमरजेंसी फंड बच्चों के लिए कलेक्ट करना, ठीक है. ये एजुकेशन देखता है बच्चों की, पीपल एज रिसोर्स की, साइंटिफिक चीजों पर ये पैसा इन्वेस्ट करता है किसी भी कंट्री में, कल्चरल पे स्पेंड करता है. और ये ओ मीन्स ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को यूएन की एक ऑर्गेनाइजेशन है. यूएन आपको मालूम ही है यूनाइटेड नेशन, यूनिसेफ यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है ये भी, और WHO भी जो है वो यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि पूरे वर्ल्ड में सभी की हेल्थ को देखता है, पीपल एज रिसोर्स की हेल्थ को भी देखता है, बच्चों की भी हेल्थ को. ये जो है यूनिसेफ वो स्पेशली बच्चों के लिए काम करता है, ठीक है. दैट इज ये यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, चिल्ड्रंस के लिए हेल्थ और एजुकेशन के लिए कहीं पर इमरजेंसी फंड कलेक्ट करना है, तो इन यूनिसेफ यूनेस्को और इनको पूरा वर्ल्ड की कंट्रीज जो है वो इनको फंड देती है, पैसा देती है, बहुत बहुत पैसा देते हैं. बिजनेसमैन भी इनके लिए पैसा देते हैं, कंट्री भी पैसा देती है. बड़े बड़े कंट्रीज में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो स्पेशल इनके लिए लैक्स ऑफ लैक्स, करोड़ ऑफ करोड़ रुपीज फंड देते हैं, ठीक है. एंड आपने देखा होगा दीज राइट नाउ जो है यूनिसेफ की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो आपकी प्रियंका चोपड़ा है, द फेमस बॉलीवुड हॉलीवुड स्टार, ठीक है. और वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जाती हैं, उन प्लेसेस में जाती है जहां पे चिल्ड्रंस को, बच्चों को, चिल्ड्रन को बच्चों के लिए खाना नहीं है प्रोवाइडेड, बच्चों के लिए एजुकेशन नहीं है, बच्चों के लिए पानी नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है. तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है बच्चों के लिए खाने पीने हेल्थ एजुकेशन सबके लिए वर्क करती है, ठीक है. तो ये कुछ वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ये हेल्थ देखती है, ये एजुकेशन और साइंटिफिक चीजों को देखती है हर कंट्री का, ठीक है. सो इसी तरीके से कंट्री के अंदर भी कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पीपल्स के हेल्थ को देखती हैं, बच्चों की हेल्थ के लिए वर्क करती है. बट देयर डज एग्जिस्ट अ लोकेशनल एंड क्वालिटेटिव इम्बैलेंस इन द मेडिकल सर्विस ऑफ द रूरल एंड अर्बन एरियाज. लेकिन क्या होता है कि रूरल और अर्बन एरियाज की ये सारे अरेंजमेंट करना हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, ये सारी चीजें जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन देखती है, इसमें इम्बैलेंस हो जाता है, बैलेंस नहीं कर पाते हैं, ठीक है. ठीक है, सो इसमें बैलेंस नहीं हो पाता है क्योंकि रूरल एरिया में कई बार बहुत सारी चीजों की कमी पड़ती है, तो वो मतलब जो अर्बन एरियाज है वहां से प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड, मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइडेड रूरल एरिया में नहीं हो पाती हैं, आने जाने का रास्ता नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम आती है, कई बार वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम आती है. अगर रूरल एरिया में कुछ डॉक्टर्स या कुछ मेडिकल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो वहां पे ऑपरेशन थिएटर नहीं है, अच्छा हॉस्पिटल बन नहीं पा रहा है, चीजों की समस्याएं हैं हॉस्पिटल में, मतलब जो भी इमरजेंसी मेडिसिन हैं, इमरजेंसी दवाइयां हैं, और जो इमरजेंसी में जो यूज होती है पट्टी होती है, कॉटन होता है, सारी चीजें जो इमरजेंसी के टाइम पे यूज होती हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, वो रूरल एरिया में सेटअप नहीं हो पाती है. तो इसलिए इम्बैलेंस हो जाता है रूरल और अर्बन एरिया में मेडिकल सर्विसेज के लिए, ठीक है. और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्बैलेंस किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द नॉट प्रॉपर कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये सारी चीजों की समस्या की वजह से इम्बैलेंस होता है. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ओके, सो नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम देखेंगे. तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज सिंपल फॉर्म में अगर हम देखें तो वो सारी एक्टिविटीज होती हैं जो हम अपने डेली यूज में करते हैं. लाइक हम कुछ भी खरीदने अगर कहीं भी जाते हैं, शॉप पे, मार्केट में कहीं भी जाते हैं, तो जो मनी हम शॉपकीपर को देते हैं वो मनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में गवर्नमेंट के पास जाता है, क्योंकि उसका कुछ पार्ट जो है, कुछ परसेंटेज जो है गवर्नमेंट के पास जाता है. यू हैव हर्ड अबाउट इन अ फॉर्म ऑफ अ टैक्स, ठीक है. टैक्स के फॉर्म में आपने सुना होगा आजकल GST, बहुत तरीके के टैक्स हो रहे हैं, ठीक है. GST टैक्स, वैल्यू टैक्स, बहुत सारे टैक्स आजकल गवर्नमेंट लगा रही है हमसे पैसा लेने के लिए, ठीक है ना. सो जो है ये जो टैक्स होता है ये गवर्नमेंट के पास जाता है. अगर हम कोई भी डेली यूज में अपनी कोई भी चीज खरीदते हैं तो वो पैसा इनडायरेक्टली डायरेक्टली वे में जो है गवर्नमेंट के पास जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ टैक्स. इसे ही कहते हैं हम इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं. ओके, सो पीपल डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट पीपल डू द डिफरेंट वर्क इन डिफरेंट फील्ड्स. हर
पर्सन अलग अलग काम करता है अलग अलग फील्ड पे. पीपल गो टू फार्म, फैक्ट्रीज, बैंक, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, एक्सेट्रा. नाउ ऑल दीज एक्टिविटीज दैट गिव इनकम टू द पीपल आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ये सारी एक्टिविटीज जो हमें इनकम प्रोवाइड करती हैं, ये सभी एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आती हैं. ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने शॉप वाला इसलिए दिया था आपको क्योंकि ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज में है, उसके पास इनकम जा रही है. यहाँ पर शॉप के पास, शॉप पर्सन के पास इनकम जा रही है. हमारे पास कहां से पैसा आ रहा है? हम जिस जगह पर काम कर रहे हैं, बैंकर है आपका, फैक्ट्री है, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ठीक है, वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, तो हम वहां काम कर रहे हैं, वहां से हमें इनकम मिल रही है, हमें वेजेस मिल रहे हैं, हमें पैसा मिल रहा है, सैलरी मिल रही है. ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है. हम कोई चीज जाकर खरीद रहे हैं, हमने उसको पेमेंट किया, वो पेमेंट करके हमने सामान लिया, वो जो पैसा उसके पास गया वो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है. ठीक है, और ये इकोनॉमिक एक्टिविटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट हम करते हैं. All the economic activities contribute to the flow of goods and services in an economy. यही goods and services है. Service हमें कौन provide कर रहा है? वो shopkeeper हमें service provide कर रहा है. ठीक है, हम उससे goods ले रहे हैं, वो हमें एक service provide कर रहा है. ठीक है, goods यानी कि जो भी सामान बनता है, production जो भी होता है all over the country में, जो भी production होता है, तो वो production जो सामान, जो goods है, जो they are going from one place to another, जहां भी उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वो गुड्स है. सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं शॉपकीपर्स और जो डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे काम है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, हम गाड़ी कहीं ठीक करवाने जा रहे हैं मैकेनिक की दुकान पे, वो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, हम मेडिकल की शॉप पे मेडिकल मेडिसिन लेने जा रहे हैं, वो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. राशन की शॉप पे राशन लेने जा रहे हैं हम, वो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं, जो बच्चे बैठे हैं, हम उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, वो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो ये हमारी सर्विस है, हम उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. तो हम एक पीपल एज रिसोर्स का काम हम यहाँ पर कर रहे हैं. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल, वेन यू परचेज चॉकलेट फ्रॉम अ शॉपकीपर, टू काइंड ऑफ अ फ्लो टेक प्लेस. दो तरीके का फ्लो चलता है. पहला, गुड्स आर फ्लोइंग आउट ऑफ द शॉप टू यू, गुड्स जो है शॉपकीपर से हमारे पास आ रहा है. दूसरा, मनी इज फ्लोइंग फ्रॉम यू टू द शॉपकीपर. दूसरा फ्लो क्या चलता है कि मनी हमारे पास से शॉपकीपर के पास मनी जा रहा है. ठीक है, सो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है. कैसे? ये भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये है मनी, आपका मनी जो है वो हमारे पास है, यानी कि कस्टमर के पास है. कस्टमर के पास से मनी कस्टमर ने लिया, गुड्स लिए यहां पर. ठीक है, और गुड्स उसके बाद, गुड्स जो है जो कीपर है उसके पास जा रहा है. ठीक है, यानी कि शॉपकीपर के पास से कस्टमर के पास आ रहा है. ठीक है, ये शॉपकीपर है और यहाँ ऐसे. अब आप देखो, ये कस्टमर है, कस्टमर ने मनी दिया, मनी शॉपकीपर के पास गया, शॉपकीपर ने गुड्स उठाया और गुड्स उठा के जो है कस्टमर को दिया. तो गुड्स हमारे पास आए, हमने मनी दिया शॉपकीपर को, शॉपकीपर ने गुड्स दिए कस्टमर के पास आया. ठीक है, हमारे पास गुड्स आ गए, तो ये पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है. ठीक है, इसी को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं और ये कंट्री को, कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में कंट्रीब्यूट करती है. एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी और क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के? इसके अलावा आप मुझे बाकी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे. कुछ ये मैं आपको बता देती हूँ. टीचर्स टीचिंग इन अ क्लास, मैन और वुमेन वर्किंग इन अ बैंक, फार्मर प्लोइंग हिज फील्ड, वर्कर्स वर्किंग इन अ माइन. ये चार एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दिए. इसके अलावा और भी कोई अगर एग्जाम्पल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए. ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज. तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ये तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड करी गई है. फर्स्ट है आपका प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंड है आपका सेकेंडरी एक्टिविटी, एंड थर्ड है आपका टेरिटरी.
थर्ड आपका टेरिटरी एक्टिविटी. ओके, सो ये तीन आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जिनके थ्रू प्रोडक्शन चलता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है कंट्री का. ये इन्हीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे होता है. अभी प्राइमरी एक्टिविटी क्या है ना? प्राइमरी एक्टिविटी इंक्लूड्स दोज ऑक्यूपेशन विच आर क्लोजली रिलेटेड टू मैंस नेचुरल एनवायरनमेंट. प्राइमरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो ह्यूमन जो है डायरेक्टली नेचर से उसको कोई भी चीज मिलती है और उसको वो यूज करता है, डायरेक्टली यूज कर रहा है, वो प्राइमरी एक्टिविटी में आ जाएगा. ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल गैदरिंग, हंटिंग, फिशिंग, लुम्बरिंग, रेजिंग, फार्मिंग, माइनिंग आर द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी. यानी कि ह्यूमन जो है यहाँ पर नेचुरली उसे नेचर से एनवायरमेंट से कोई चीज डायरेक्टली मिली, उसने डायरेक्टली उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया. उसको कोई जरूरत नहीं है उसको एक यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की, लेकिन वो चीजें जो रॉ मटीरियल ह्यूमन को मिल रहा है और ह्यूमन एज अ रिसोर्स काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उस रॉ मटेरियल को जो कच्चा माल है उसको वो जब कन्वर्ट करके एक यूजफुल फॉर्म में बना के जब वो यूज करता है, वो आता है आपका सेकेंडरी एक्टिविटी में. अंडरस्टूड? ये होगी आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी. जब ह्यूमन एज अ रिसोर्स टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट का यूज करके किसी भी एक खराब सी चीज को जो नेचुरल नेचर से मिली है हमें लेकिन वो किसी काम की नहीं है, जैसे ऑयल एंड पेट्रोलियम जब तक जमीन के नीचे है किसी काम का नहीं है, अंटिल एंड अनलेस टेक्नोलॉजी का यूज करके ह्यूमन जो है उसको डिग आउट करता है और उसको प्रॉपर व्हीकल्स में मशीन में यूज ना कर ले, तब तक वो यूजफुल नहीं है. ठीक है, उसके बाद अब भाई यूजफुल कन्वर्ट में तो कन्वर्ट कर दिया, प्रॉपर प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट बनाकर ह्यूमन ने बनाया, ह्यूमन रिसोर्स जो था उसने एक प्रॉपर प्रोडक्ट बनाया, फिनिश गुड बनाया अच्छा सा. ठीक है, और उसको वो बना के अपने पास रख लेगा, कोई फायदा नहीं, अपने पास रख के भी कोई फायदा नहीं है. तो अब उसको क्या करना है, वो प्रोडक्ट जो है वो ऑल ओवर द कंट्री में उसको सप्लाई करना है, तभी वहां से उसको अर्निंग होगी. जो अर्निंग उसको होगी वो प्रोडक्ट फिर कंट्री से बाहर जाएगा, सप्लाई होगा, वहां से कंट्री को इनकम होगी. तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है. यहां पर ह्यूमन रिसोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ये ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता ही करता है. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जो कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है. ठीक है, सो अब क्या करेगा, प्रोडक्ट्स भले ही बन गए, प्रोडक्ट बन के अब उसको क्या करना है, उसे मार्केट में जाके सप्लाई करना है. मार्केट से और दूसरी कंट्रीज में भी वो सप्लाई होगा, तो मार्केट में ले जाने के लिए द पर्सन नीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. ठीक है, सो वो ट्रांसपोर्ट करेगा उन प्रोडक्ट्स को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू डिफरेंट प्लेसेस. ठीक है, तो जो वो ट्रांसपोर्टेशन वाला जो पार्ट है, जो ट्रांसपोर्टेशन वाला जो भी लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो आती है आपकी टेरिटरी एक्टिविटीज. ठीक है, सी हेयर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ्स फ्रॉम कॉटन, शुगर फ्रॉम शुगर केन एंड स्टील. स्टील कहां से निकलता है, फ्रॉम आयरन ओर, आर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी. आयरन ओर से हम स्टील निकालते हैं, शुगर से शुगर केन मिलता है हमें, कॉटन से कॉटन क्लोथ्स मिलते हैं. ठीक है, उसके बाद टर्शियरी एक्टिविटी कंसिस्टेड ऑफ ऑल सर्विसेज ऑक्यूपेशन, सारी सर्विसेज. तो टर्शियरी एक्टिविटी में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ना, सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी एक्वायर सब्सटेनशियल अमाउंट ऑफ सपोर्ट सर्विस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड, हेल्थ, एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ टर्शियरी एक्टिविटी. तो ये सभी जो है टर्शियरी एक्टिविटी के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. इसमें एजुकेशन जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, हमारे तक चीजें लेकर आ रहा है. हम ऑनलाइन सामान मंगाते हैं तो ऑनलाइन सामान कैसे आता है, बाइक पे या छोटे ट्रक्स जो होते हैं, छोटे वाले टेम्पो होते हैं उनमें ऑनलाइन सामान हमारा आता है, लेकिन जहां से हमने मंगाया है वो पहले प्लेन में आता है, प्लेन से ट्रक में भरते हैं सामान, ट्रक से फिर छोटे मिनी ट्रक में आते हैं और फिर हमारे घर तक आते हैं. तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, छोटा मोटा नहीं. हमने मुंबई से सामान मंगाया, बहुत सारे फ्लिपकार्ट, अमेज़न है, ये सब बाहर के जो है कुछ इसी तरीके की जो आजियो वगैरह जो आपके ऑनलाइन ब्रांड प्रोडक्ट्स है, ये सब बाहर की कंपनीज है, बाहर से प्रोडक्ट आता है, बाहर से माल आता है और 3-4 दिन के अंदर जो है हमारे पास आ जाता है सामान. ठीक है, सो कॉम्युनिकेशन हो गया, ट्रेड हो गया, ये ट्रेड होता है, इसे ट्रेड भी कहेंगे. ट्रांसपोर्टेशन वो है जो चीज पर्टिकुलर यूज हो रही है एक सामान को, प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो चीज यूज हो रही है. ट्रेड ये ट्रेड होता है कि जब प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह जो ले जाया जा रहा है, जो उसकी डिमांड आ रही है और वहां पे वो प्रोडक्ट मंगाया जा रहा है जो उसकी डिमांड है उसी हिसाब से सप्लाई हो रही है, ये ट्रेड में आ जाएगा. ठीक है, सो ये सारी चीजें जो है आती है आपकी टेरिटरी एक्टिविटीज में. अभी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, कम टू द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज.
नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. व्हाट आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं आपकी लाइक विच डू नॉट हैव इनकम इन रिटर्न. वो काम जिसके बदले में हमें कोई भी इनकम नहीं होती है, कोई भी हमें रिटर्न में कोई पैसा नहीं देता है और हम वो काम कर रहे हैं लेकिन उसके बदले हमें कोई काम, हमें उसके बदले कोई पैसा नहीं मिल रहा है. ठीक है, आर द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दे ऑल्सो डू नॉट कंट्रीब्यूट द फ्लो ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी. और वो काम जो है कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किसी तरीके का कोई कंट्रीब्यूट भी नहीं करती है. सो एग्जाम्पल्स हैं टीचिंग बाई फादर टू हिज सन एट होम, डोमेस्टिक वर्क बाय द हाउसवाइफ. मम्मी लोग जो है घर में काम करती हैं उसके बदले में उनको कोई रिटर्न पैसा नहीं मिलता. फादर अपने बच्चे को पढ़ा रहा है तो कोई पैसा नहीं ले रहा है वो बच्चे से. वॉशिंग फादर्स कार बाई सन, अगर बेटा पापा की कार वॉश कर रहा है तो कोई पैसा नहीं मिल रहा है उसे. स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट, स्कॉलरशिप जो स्टूडेंट्स को मिल रही है वो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती है. अनपेड वर्क डन बाई वुमेन, वुमेन जो कि अनपेड वर्क करती हैं, ठीक है, जिनके बदले में उनको किसी भी तरीके की इनकम नहीं होती है. डोमेस्टिक सर्विसेज लाइक कुकिंग ऑफ फूड, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स बाई हाउस वाइफ, टीचिंग हर ओन चाइल्ड, नर्सिंग हर ओन चाइल्ड बाई मदर, रिपेयरिंग ऑफ हाउस होल्ड ड्यूरेबल गुड्स, स्टिचिंग क्लोथ्स एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन द नॉन इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ठीक है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज है लेकिन ये अनपेड वर्क डन बाई वुमेन है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ये लेकिन ये अनपेड वर्क है. ठीक है, सो ये चीज हो गई, अनपेड वर्क में हो गया. नेक्स्ट हमारे कुछ टॉपिक्स हैं एम्प्लॉयमेंट एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. पहले तो एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जहां पर हम जॉब कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि जब हम जॉब नहीं कर रहे हैं. और अनएम्प्लॉयमेंट में भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी होते हैं. तो कितने टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो हम अब स्टडी करेंगे. सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक दीज टू टॉपिक, दैट इज एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट.